न्यूएस्ट इन द टाउन पंजाबी चाप कॉर्नर ऑथेंटिक पंजाबी फ्लेवर्स विद 100% वेज क्विजिन फर्स्ट ईटिंग पॉइंट इन द टाउन फॉर फिटनेस फ्रीक्स सर्व डाइट चाप वैरायटी स्नैक्स मेन कोर्स ब्रेड डेजर्ट एंड बेवरेजेस आर अवेलेबल विद वाइड रेंज ऑफ फ्लेवर्स। देखिए अच्छा लगा है फूड एंड फन एक नई दुकान हमारे फरुखाबाद में खुली है। बढ़िया लगा है जो हम चटपटे के शौकीन हैं बस चटपटी चीज यहाँ पे मिल रही है बस यही सब है। दिस इज द ग्रेट पॉइंट फॉर फैमिली फ्रेंड्स एंड ऑफिशियल मीटिंग्स एड्रेस नेकपुर फरुखाबाद। नगर मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव ने फरुखाबाद चौक से घूमना तिराहे तक चिन्हांकन कार्य कराया। इस दौरान उन्होंने कहा सभी दुकानदारों को एक हफ्ते का समय दिया जाएगा अपने अपने अतिक्रमण हटाने के लिए। इस दौरान 13 मीटर की नाप की गई। नाप के दौरान व्यापारी नेता अरुण प्रकाश तिवारी ददुआ ने भी नगर मजिस्ट्रेट दीपाली भार्गव से बात की। उन्होंने कहा दुकानदारों के अनुरोध पर इस सड़क को भी रेलवे रोड की तरह 12:40 करने की मांग उठाई है। आज चौक से घूमना तिराहे तक चिन्हांकन पूर्ण हो गया है। दोनों तरफ इस पर लाल निशान लगाए गए हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है व्यापारी नेता अरुण प्रकाश तिवारी ददुआ ने पीपीएफ लाइव से बातचीत के दौरान। ददुआ क्या बात हुई आज? हमने दुकानदारों की तरफ से मैडम से निवेदन किया कि आप ये रेलवे रोड 12:40 कर दिया, उसका भी चेहरा था पहले, इसलिए हमारे रेल रोड के दुकानदारों को ये निवेदन है कि आप 12:40 बहुत बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ रहा है इस रोड पर। और प्रशासन कह रहा है ये मुख्य मार्ग है, रेलवे रोड एक लिंक मार्ग था। अब लेकिन ये मेन है तो रोड का, ये हम 13 मीटर करेंगे हमारे अधिकार से। जिस रोड पर रेलवे स्टेशन को लिंक मार्ग कैसे हो सकता है भाई? उन्होंने हमसे एक आठ डीएम साहब से कंसल्ट कर लीजिए और डीएम साहब अगर कहते हैं हमारे अधिकार में नहीं, डीएम साहब डीएम साहब बात करेंगे आपसे तो आप बात करिए, अगर वो राजी हो जाते तो हम मैं कर दूँगा।